सलाम की शहादत के बाद के दोनों साहब जब तन्हा सबब तो से पुर्दगा ने ख़ तहरीर करके इमाम मजलूम को बुलाया था आपने अपने भाई हज़रत मुसलिम को बतौर वकील भेजा और ये दोनों साहिबजादे हमरा थे तो गोया उसगर इश्किया के मेहमान थे दूसरे मुसाफिर थे आपलम का वतन मदीना कोफा से दूर था तीसरे वो बच्चे थे आलम गुरबत में उनके सरों से बाप का साया उठ चुका था हजरत मुस्लिम को जालमों ने ख़ुद शहीद कर दिया था और वो साहेबजादे चंदान होशियार भी ना थे कत नज़र इसके किस ज़माने से अब तक दस्तूर दुनिया है कि जब सभी किसी सगीर सन बच्चा का बाप मर जाता है तो तमाम खलाए के उकाफ़र हो या मुसलमान सब यतीम बच्चों पर शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं रवायत में तरीर है कि वक्त शहादत हजरत मुस्लिस्म ने दोनों साहिबजादों को काजी खूफा शरी के घर भेज दिया था जिस वक्त शहादत मुस्लिम की खबर शरी को पहुंची तो वह नहायत मुस्तर बेकरार हुआ जनाब मुस्लिम की मजलूमी और उनके यतीमों की बेकसी पर बहुत रोया हालांकि अभी खबरें शहादत पदर बुजगार उन साहेबजादों के गोश गुजार ना हुई थी मगर काजी को रोते देख कर फरमाया कि शरी क्या हमारे पिदर बुजुर्गवार कत्ल हो गए तो रोता है शरी ने अव्वल तो छुपाया आखिर जब साहेबजादों ने इसरार किया तो कहा कि हाँ तुम पर मेरी जान फिदा हो तुमको अपने जयात बत ने बिन बाप कर दिया है साहेबजादो जिस वक्त से तुम्हारे पदर बजरवार को क़त्ल किया गया है तुम्हारी तलाश में जासूस फिरते हैं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ सुन ले उस लुफे शैतान को ख़बर कर दे तो मेरा घर बार लुट जाए और तुमको पकड़ ले जाय ये सुनकर उन साहेबजादों को इस आलम गुर्बत आफत यतीमी में बजुज रोने के क्या हो सकता था खौफ से वो बच्चे रो भी नहीं सकते थे इन मासूमों की बेताबी को जकिर क्या बयान करे अलकस्सा शरीफ बजान दिल आब की खतददारी में मसरूफ़ था और कहता था कि ए शहजादों बशरत हयात तुमको मदीने में पहुंचाऊंगा फिर अपने फ़र्जंद असद से बोला कि तू दोनों शहजादों को साथ ले जा एक काफिला बैरून शह ठहरा हुआ है मदीना जाने वाला है उन दोनों गुलाहे बागे मुस्तवी को इसमें से किसी दीदार के सपुत करके उनको इन शहजादों के सब से आगाह कर देना असद अपने वालदे बुजुर्गवार के हुक्म से उन दोनों यतीमों को लेकर रवाना हुआ मगर अफसोस के जिस वक्त वो इस मकाम पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि काफिला कूच कर गया है मगर उसका मालूम होता था असद ने शहजादों से कहा कि तुम जल्दी-जल्दी जाकर उस काफिले से मिल जाओ उसी बार में वो काफिला है और ख़ुद वापस चला गया मगर आह थोड़ी देर और थोड़ी दूर शहजादे गए लेकिन काफिले का सुराग ना मिला गर्ज़ व निगेबान जिंदा दोनों यूसुफ लक़ा को कैद खाने में ले गया उस मरदूद अजली के हुक्म के मौजूद ऐसी ही कोठड़ी में बंद किया वो ऐसा तंगो तारी कैद खाना था जिसमें हवा का भी गुजर ना था वो मासूम बच्चे पसीने में तर बल खाई हुई जुल्फ़े ख़ाक में अटी हुई थी इस कैद शदीद पर पानी और खाना मिलना एक तरफ सोना और आराम से लेटना भी नसीब ना था शब्बो रोज़ आहोजारी में बसर होती थी ना तकिया था ना बछोना था वो खुश्क रोटी जब उन नाजों के पालों के गलों में फंसती थी तो रो रो कर कहते थे कि खुदा दुश्मन पर यह मुसीबत ना डाले राजी की मबूद पर गौर करना चाहिए कि इस कैद खाने में खाना मिलने की सबील उसने निकाल दिए ए भाई जान नान जवे हमारी अजली गज़ाए फ़ाका कशी मीरा से पिदरी है दादा हमारे हजरत अली अलीसम ने हमेशा जो कि सूखे टुकड़े खाए हैं हम भी उन्हीं के पोते हैं गौर करो यूसुफ़ पैगम्बर ने कैदी कैद में कैसी मुसीबत उठाई अल्लाह के अनायत से उनको फिर मिस्र की बादशाही मिली अगज़ एक मुद्दत तक वह दोनों साहिबजादे इसी तरह मुबतलाए तकलीफ रहे यहां तक कि उनकी शक्लें मुतैर हो गईं, तस्वीरें लकड़पन की पीरी से तब्दील हुईं, सर के बाल बढ़ गए जिसमें अकदस की रगें नुमाया हो गईं आंखों में हल्के पड़ गए बैठना उठना न जाता था अब लेटने में गश आता था नाचार होकर एक रोज़ बड़े से छोटे साहेबजादे ने कहा भाई ये कैसी है इस कदर अरसा गुजरा न चाचा ने ख़बर ली ना माँ को याद आई ये सुनकर बड़े ने भाई ने कहा भैया घबराओ नहीं अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देगा उस यूसुफ लका का यह कलाम सुनकर सुने गबार ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो साहेबजादों ने फरमाया कि तू मोहम्मद सल्ला वसलम को पहचानता है उसने अर्ज की कि मोहम्मद सल्ल वसम नबी बरहक है जो ना पहचाने काफ़र है तब आपने फरमाया कि असदुल्ला को जानता है इसने गबान ने कहा कि वो मेरे माम है मैं तो उनका गुलाम हूँ बस ये सुनकर सब सा, दोनों साहिबजादों में जान आ गई और तफसीलवार अपना सारा हाल उससे बयान किया जिस वक्त तो उस जिंदान बान ने उन बच्चों का मुफसल हाल सुना बस सुनते ही घबरा गया वो मर्द खुश मासूमों के कदमों पर गिरा दौड़ के एक बार कहता था मैं इस हाल से वाकिफ न था जनहार बख्शो मुझे मैंने तुम्हें घुड़का था कई बार दोनों साहबजादों ने फरमाया अल्लाह तेरी शफ़ात करेंगे हमारे साथ इस कदर एहसान करके हम मदीना पहुंचाएं इसके सिले में सिजरत फातम जहरा में तेरी हामी होंगी बान ने दोनों साहेबजादों को कैद खाना से निकाला और कादश्य के रास्ते पर लगा कर वापस आया वह दोनों साहेबजादे उसी तरफ रवाना हुए लेकिन असो से ऐसी कैद शद उठाई चश्मा पानी का था वहाँ पर एक जयीफा पानी भर आई दोनों साहबजादों को देखा तो उनके करीब आई वो बेचारे मुसीबत के मारे कांपने यह हालत देखकर उस जयीफा ने उनको तसली दिलासा दिया और शफफ़त से उनका हाल पूछा उनूमों ने अपना तमाम हाल बयान किया उसके पाँव पर गिर पड़े और फरमाने लगे यह के कालिब बेजान में जान आ गई कहने लगे कि मोमना हमको किसी इजरे में छुपा दे हमको तकिया और बिछोना कुछ नहीं चाहिए वो जयीफा उन दोनों बच्चों को गिर्द फिरने लगी कहने लगी कि आपकी खदमत गुजारी सादत को नैन समझती हूँ फिर अपने घर में ले आई मेहमान होए जाकर सितम एजात के घर में दोनों को अजल ले गई जलाद के घर में खाना भी ना खाया ना पिया दोनों ने पानी और सोए बह मुस्लिम मजलूम के जानी इतने में उजयीफा का शोहर आ गया तो वो काँपने लगी और खुशामिद बातें करने लगी और रात गए तुम आए और नवा शैतान बेईमान गुस्से में तो भरा हुआ था तेवरी चढ़ाकर कहने लगा तुझको मेरे मामला से क्या वास्ता फिर हथियार खोले और बिस्तर पर गिर कर सो गया कुछ रात बाकी थी के दोनों कि दोनों साहेबजादों ने ख्वाब में अपने पिदर बुजुर्गवार को देखा कि हज़रत मुस्लिम इस्लाम आए हैं और प्यार फरमा कर कहते हैं कि ए नूर दिदगान अब या में तकलीफ बसर हुए कल तुम मेरे पास हो गए यह ख्वाब देखकर एक ने दूसरे को जगाया तमाम माजरा ख्वाब का सुनाया गले मिलकर रोने लगे उनकी आवाज़ सुनकर वो मलौन एजली जाग उठा और चारों तरफ देखने लगा अलगर्ज उस मलोन जली ने कुछ रहम न खाया और धरे हजरे में कफुल लगाकर सो रहा जब सुबह हुई हिजरे का दरवाज़ा खोला हजरात किस से ज़बान सेर्स करूँ दोनों शहजादों की जुल्फे पकड़ कर हिजरे से खींच कर निकाला दोनों मासूम उससे कहने लगे कि हारिस तुम हम पर रहम खाओ हाकिम के पास ले चल उलझी हुई जुल्फ़ों को लाइन खींच रहा था दरिया पे, पे कत्ल इन्हें लेके चला ए हारस हम पर रहम खा अपनी खुशी से तेरे घर में नहीं आए ना कोई चैन पाया थोड़ा सा आराम मिला था सो उसका आवज़ तूने यह दया के रात भर रस्सी में बांध कर रखा अब छोड़ दे इकरार करते हैं फिर तेरे घर ना जाएंगे और जोजा हारिस की तरफ मायूसा न देख कर कहते थे अरे जालिम क्यों जुल्फों को पकड़ कर खींचता है यह नाशाद अली की औलाद है अफसोस के नबी अलैहि वसल्लम के एहसान तुझको याद नहीं है तू भी साहिब औलाद है बच्चों पर रहम खा यतीमों का सताना अच्छा नहीं है ए बेदीन अगर तू ज़र है तो बेवजह यतीमों के मुझको फातिमा के नाम पर बेच ले अर जिस वक्त तलवार लेकर वो गुलाम हबशी बढ़ा जालिम ने तेक किया जोजा को उसान या फातिमा कहकर हुई बच्चों पे वो कुर्बान दरिया पे अदू लाया उन्हें पकड़े गिरे बान दे तेगे गुलाम हबशी को वहाँ और यान गुस्से से कहा दोनों को उंगली से बताकर हाँ काट ले सर उनके किनारे पे तू जाकर अलग जिस वक्त तलवार लेकर वो गुलाम अफशी बड़ा दोनों शहजादे सर झुका कर हमरा चले मनकूल है कि वह अफशी मसल हजरत बिलल रजीलाना के हक़ का आगाह था उन मजलूमों ने फरमाया कि बंद अल्लाह तो मौजन रसूल सल्ला बिलाल से बहुत मुशाबा है मगर ये तो बता कि तू रसूल का मोहब है या दुश्मन है वो बोला नबी पर हूँ फिदा में बदलो जान चुपके से कहा दोनों ने अब हम पे हैं हैरान इतरत का तू कातिल है नबी पर है कुर्बान इसके हैारिस इस ने फर्जंद के हाथ में तलवार देकर कहा बेटा तू उन बच्चों के सर उड़ा दे वो दीनदार दोनों शहजादों को लेकर चला मासूमों ने याद से उसे देखा वो बोला कि क्या देखते हो तुम मैं तुमको कत्ल कर दूंगा शहजादों ने फरमाया तुझको देख के भाई अली अकबर की याद आ गई और तेरी जवानी पर तसफ़ आता है कि नाहक जहनु की राह अख्तियार करता है अगर जा अली अकबर जवान है मगर किसी को कत्ल नहीं करते वो बोला वो बोला अकबर है अजीज़ों में तुम्हारे रोक कर कहा हाँ बेटे है मामू के हमारे सब भाइयों में हम बहुत अकबर को हैं प्यारे क्या दखल ओजूर उनके जो माँ भी हमें मारे हम घुटनियों अब्बास के सीना पे चले हैं और जैनब वकुलसूम की गोदी के पले हैं यह सुनते ही गिरदान के फिरा हक का वशीदा दरिया में गिरा तेक टपक के लबे दरिया अल्लाह की रहमत में वाहरक सरापा हजरा पर क्या गुजरी होगी वह बच्चे अपने भाई के खून मेंजरात उस मासूम पर क्या गुजरी होगी वो बच्चा अपने भाई के खून में लौटता था और कोई पुरसा हाल उस मासूम का ना था हार से मलोन शमशीर बिरना लिए खड़ा था अफसोसद अफसोस दफसोस की ज़ुबान से उस मासूम मुसाफिर का हाल अर्ज करूँ रवायत में वारदे के बड़े भाई मोहम्मद का लाशा छोटे भाई इब्राहिम का मुंतजर था उसका जिसम नाजीन बड़े भाई से मिला सीने पर रखा सीना जिगर रखा जिगर पर वो हाथ उठे उनके सोए के बलए बराबर अलगज़ व शकी अजली दोनों साहबजादों के सर हाय मुबारक लेकर अपने जियात के पास आया उस बद के सामने रख दिए हजरात नन्हे नन्हे बच्चों के सर देखते ही बावजूद सखावत कल भी इबन जलोन के आंसू निकल आए हारस उस सेफियत दरिया ने अपनी जोजा, फर्जंद और गुलाम के और अपने शकावत उन बच्चों की मिन्नत उजारी के हालात तमाम हालत फखर से बयान किए आखिरी ये बात कही दोनों ने बाहम बिलफर्ज तेरे आगे मुसलमान भी नहीं है हम बचपन पे हमारे नजर रहम कर दम एक माँ का दम रखते हैं बाबा हुए बेदम र्बत पे सगीरी पे यतीमी पे नज़र कर पर्दोसियों को छोड़ दे अल्लाह से डर कर